ओके वेलकम बैक टू अनदर। दोस्तों मैं निजाम, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीबी डॉज कॉइन के बारे में, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मार्केट के अपडेट के बारे में, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो आपका क्वेश्चन जो पिछले 24 आवर के अंदर कल से लेकर आज तक जो रेज हुए हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं टेलीग्राम के ऊपर उसका आंसर करूंगा। जी दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर वीडियो जो है देखिएगा। दोस्तों पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ भाई टेलीग्राम ग्रुप जिससे अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो इससे आके जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर बाइंग कॉल सेलिंग कॉल सब आपको फ्री में प्रोवाइड कर होती है। जी दोस्तों फ्री में मैं करता हूँ, सो दैट यहाँ पर आपके क्वेश्चन का भी आंसर करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो दैट जरूर इसको फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो भैया यहाँ पर एक भाई पूछे हैं मंसूरी जी ने कि भैया मेरे पोर्टफोलियो में एक क्वाइन थी ड्रिप, वो अचानक से मेरे पोर्टफोलियो से गायब हो गया। तो भाई ऐसे बिना सोचे समझे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो यही होगा। मैंने भी खोजा है लेकिन मुझे मिला नहीं, ये ड्रिप क्या, कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या करता है, आई डोंट नो। अगर आपके पास लिंक है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर का तो जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा, मेरे पास भेजिएगा, सेंड कीजिएगा, मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसका आई थिंक न्यूज़ अपडेट जानना चाहूँगा कि आखिर क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा हो चुका है। रामविलास यादव जी ने क्वेश्चन पूछा है माना कॉइन कैसा रहेगा बुलरन के लिए, क्या 676 डॉलर जा सकता है। तो देखो यार ये पुराना है डिसेंट माना, थोड़ा सा आउटडेटेड, हमेशा ही कोई भी चीज़ें नया नहीं होता, लाइक दैट कोई फ़ोन आता है ना। अभी अगर आपको बोला जाए कि आप सैमसंग का S12 जो पुराना मॉडल था है ना, या रेडमी का ही रेडमी नोट 1+1 है ना, वो सब ले लीजिए 1S है ना, या कोई पुराना मॉडल तो आप लोगे नहीं लोगे। अब 5G का टाइम है, अब 4G कौन लेता है, 3G कौन लेता है, 2G कौन लेता है। तो इसी तरह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया, इसकी जगह बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आए हैं मार्केट के अंदर जो फर्स्ट एवर बुल रन फेस कर रहे हैं, और उसके अंदर कहीं ना कहीं माना से ज़्यादा पोटेंशियल प्रॉफिट देने का। हालांकि अगर आप माना से ज़्यादा लगाव है तो थोड़ा बहुत इसके अंदर कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप नए प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ा सा फोकस कीजिए, उसके अंदर आपको माना से या किसी पुराने प्रोजेक्ट से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। पुराना प्रोजेक्ट आपको 10x मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट देगा, 10x तक अगर लेना है तो आप इसको पकड़ सकते हो, हाँ 10x तक लगभग 8 to 10x तक जा सकता है। लेकिन वही पुराना प्रोजेक्ट को देखोगे तो भाई वो मतलब खुला आसमान है, जहाँ भी मर्जी है वहाँ तक जा सकता है। तो इसलिए मैं नए प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा भी फोकस अभी खास के फोकस करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट भैया अभिषेक जी ने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि निजाम भाई आप इतने दिनों से क्रिप्टो मार्केट में हैं, जैसे एडी भाई है, जी हाँ बिल्कुल एडी भाई है, सुमित भाई है, अमन जी जो है जब MLM वाले स्कीम करते थे, एक्चुअली मैं बता दूँ सिर्फ ये एडी है और सुमित जी है, हाँ वो सब मेरे टाइम के थे। तो क्रिप्टो इवेंट में दुबई में सब जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ, रियलिटी रियली है, बिल्कुल मैं नहीं जा रहा था, एक्चुअली मैं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फैमिली इश्यूज भी होते हैं दोस्त, इसकी वजह से थोड़ा सा मैं नहीं जाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम मैं जरूर जाऊँ, सभी से मिलूँ और आप सबके लिए भी वीडियो बनाऊँ। जी दोस्तों पॉप कैट के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था 3 डेज हुआ, 3 दिन में 3x से ज़्यादा प्रॉफिट बुक प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। अब जो है थोड़ा सा यहाँ पर बुक प्रॉफिट यहाँ पर करना चाहिए। जी दोस्तों बुक प्रॉफिट, जी दोस्तों मैंने ये मैसेज आपके सामने ही कर दिया था, बाइंग कॉल सेलिंग कॉल में हमेशा ही बोलता हूँ ना। तो पॉप कैट ने काफ़ी अच्छा 3x प्रॉफिट दिया है, सो दैट इसके अंदर प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। सोलाना बेस्ड आई थिंक ये प्रोजेक्ट है और मीम टोकन है, तो भाई ये चीज़ें यहाँ पर हमारे यहाँ पर मिलती है। तो भाई आपके जो क्वेश्चन थे वो मैंने ले लिए, अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा आप डायरेक्टली हमसे आके पूछ सकते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा मार्केट का और BTC का। BTC चल रहा है 66,437, 3189 पे इथेरियम चल रहा है, मार्केट थोड़ा सा सेटल डाउन होने जा रहा है, हालांकि मार्केट यहाँ पर से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो सोचोगे आपकी ऐसा होगा वैसा होगा या ऊपर ही जाता रहेगा नीचे ही जाता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालविंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हालविंग के लगभग एक आध महीना तक जो है मार्केट लड़खड़ाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, उसके बाद तगड़ा बुलिश मोमेंटम पकड़ता है। हालांकि इस बार काफ़ी चीज़ें नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है कि इस मंथ के लास्ट तक जो है मार्केट रिकवर करेगा और अच्छा खासा यहाँ पर पम्प करेगा, और फर्स्ट एवर टाइम मल्टीपल कॉइन्स यहाँ पर देने वाले हैं। सो दैट रेडी रहो, अपने पोर्टफोलियो को बनाते रहो, ग्रो करते रहो, अपना जो है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जी दोस्तों हमने काफ़ी सारे कॉइन्स ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है, किशु भाई 533 पे आ चुका है, नाका मोटो गेम भैया $1 पे था 1.7 पे आ चुका है, पेपीनो भी, ग्रोक भी, सभी कॉइन को आप देख सकते हो अच्छा खासा प्रॉफिट के अंदर है। एक्सकेयर भैया मैं बार बार बोल रहा था इसको बाय कर लो, अभी भी चांस है, देखो ये सब के अंदर अभी भी चांस है, चाहे एक्सकेयर हो, मारिया हो, RMV, स्टारलिंग, वीटाइनो तो खैर ऊपर निकल चुका है, लेकिन बाकी इन सब के अंदर अभी अच्छा खासा चांस है, ब्लॉक टोपिया के अंदर भी अच्छा खासा चांस है। सो दैट जो जो के
अंदर चांस मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके जो है आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ। पाल के अंदर काफ़ी मेजर चांस है दोस्तों, काफ़ी अच्छा ड्रॉप मिला है इसके अंदर, मूवी के अंदर, नई के अंदर, साइडस के अंदर, है ना, इस सब के अंदर आप थोड़ा थोड़ा जो है अपना पोर्टफोलियो बनाते रहो ताकि आपको जो है अच्छा मैसिव प्रॉफिट यहाँ पर से मिले। इसके साथ साथ बायबिट के ऊपर भी काफ़ी सारे कॉइन्स थे जो कि हम नए बताए थे, जो अभी अच्छा खासा ड्रॉप के अंदर है। ज़्यादातर हम देखें तो भाई काफ़ी सारे कॉइन्स तो काफ़ी अच्छा ड्रॉप के अंदर है, कुछ कॉइन थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मैं खुश नहीं हूँ, अभी इसके अंदर और भी रिकवरी होनी चाहिए। लेकिन यहीं पर देखते हैं GPT ऑंडो भी ठीक है, अब ले सकते हो पार्ट्स के अंदर। वर्चुअल वर्जन पहली बार लेना है तो ले सकते हो, फायर पहली बार लेना है तो ले सकते हो, GMRX पहली बार लेना है ले सकते हो। हमारे इन सभी में लॉस में मैं चल रहा हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ भाई, हम सब लॉस में चल रहे होंगे। ज़्यादातर कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करके रखिएगा, बहुत जल्दी प्रॉफिट में आ जाएंगे। आर्टिफैक्ट मेटावर्स के अंदर जरूर एंट्री बनाइएगा, GTAI के अंदर जरूर एंट्री बनाइएगा, डीमेल के अंदर एंट्री बनाइएगा। देखो यार, हमारा सब प्रोजेक्ट अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मौका दे रहा है कि इसको फिर से बाय करो और एक अच्छा मैसिव प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहो। सो दैट बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर से मिलने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे जैसा लग रहा है ना, बाकी अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है लॉन्च पैड के अंदर जो कि पी बक्स का आने वाला है, उसके अंदर जो पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बायबिट का मिल जाएगा, जरूर साइनअप कर लीजिएगा। यहीं पे भी वीडियो स्क्रीन के बारे में बात करते हैं तो मैं बुलिश हूँ, 230 तो इजीली ये किल करेगा, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर शो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखते हो न्यूज़ चैनल के ऊपर एनिमल लीग के साथ यहाँ पर टीम अप हुआ है मेट्स का, दोस्तों जो कि यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन के साथ मिलकर काम करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये चीज़ें जो है ना यूटिलिटी के अंदर भाई बेबी डॉज कॉइन आता हुआ जा रहा है और कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा और काफ़ी अलग टाइप का प्रोजेक्ट बनता हुआ जा रहा है। एक यूटिलिटी अंदर काफी चीजें तो लाया ही है और कहीं ना कहीं एक डॉग सेविंग काम जो कर रहा है ना, वो भी और भी ज्यादा इसके अंदर हाइप लाएगा और एक ना एक दिन काफी अच्छा खासा, मतलब इस बुल रन के अंदर ही एंड तक काफी अच्छा प्रॉफिट देगा। बाकी इसके ऊपर आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट के अंदर शेयर कीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेश्चन हो, कोई भी मन में चल रहा हो सवाल, तो जरूर आप पूछेगा टेलीग्राम के ऊपर या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहली बार आए सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन पर भी जरूर करें, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। बाकी मतलब नेक्स्ट वीडियो में आज की तरह ही, गुड बाय।